अजय देवगन एक बार फिर थ्रिलर मूवी रेड से बड़े पर्दे पर लौटे हैं। 16 मार्च को रिलीज हुई मूवी को क्रिटिक्स का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। क्रिटिक्स ने रिव्यू के अलावा अजय देवगन की इस मूवी के लिए उनकी पत्नी काजोल और उनके 7 साल के बेटे युग का भी रिव्यू सामने आया है। काजोल ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें और उनके बेटे युग को फिल्म रेड कैसी लगी। काजोल ने ट्वीट किया, मेरा रेड के लिए रिव्यू है, पसंद आई, हंसी ताली और अम्मा को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। वहीं परिवार के अंदर उनके बेटे युग ने ये कमेंट करके बताया कि उन्होंने इस बार इनकम टैक्स के बारे में अपने पिता की पिक्चर से जाना। तो इन दोनों का रिव्यू जो आया वो देखने में दिलचस्प रहा। परिवार के रिव्यू के अलावा अजय देवगन के इंडस्ट्री फैंस उन्हें फिल्म की रिलीज को लेकर बधाई देते हुए भी नजर आए। जैसे अर्जुन रामपाल ने काफ़ी अच्छा ट्वीट करके उन्हें कहा कि आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर और भी अच्छा प्रदर्शन करे। वहीं राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी रेड में अजय देवगन इनकम टैक्स ऑफिसर के किरदार में नजर आए। मूवी में इलियाना डिक्रूज और उनकी पत्नी का अदा रोल कर रही हैं। मूवी में सौरभ शुक्ला, अमित सयाल, पुष्पा जोशी जैसे कलाकार शामिल है। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले।